तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से अगर हम स्टार्ट करें तो, क्योंकि आप लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चैप्टर पहले से पढ़कर आए हो, एनसीईआरटी में भी आपने पढ़ लिया और आरएस की बुक से भी आपने पढ़ लिया, ठीक है। तो उसके बेसिक कॉन्सेप्ट में आपने ये देखा था कि अगर मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी, विच इज राइट एंगल एट बी, ओके, एंड अगर ये कोई एक एंगल है थीटा, ठीक है, तो इस एंगल के सामने वाली जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर का काम करती है, इस एंगल के साथ वाली जो साइड होगी वो बेस का काम करती है, और इस 90 डिग्री एंगल के सामने वाली साइड ऑलवेज हाइपोटेनस का काम करती है। ये हमने सबसे पहली चीज पढ़ी थी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में। फिर इसके बाद हमने इन साइड्स के आपस के जो रिलेशन हैं, यानी आपस के जो रेशियो हैं, उनको हमने पर्टिकुलर नाम दे दिए थे, जिनको हमने कहा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। और वो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ थे, उनमें आपने सबसे पहला रेशियो बच्चों पढ़ा था साइन का, जिसे हमने शॉर्ट में क्या कहा, साइन थीटा, ठीक है, SINE पूरा नाम था लेकिन हमने उसको साइन थीटा बोला। साइन थीटा का जो रिलेशन है वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रिलेशन देता है, यानी परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का जो रेशियो होता है वो, उसका हमने क्या नाम रखा, साइन थीटा, इस एंगल के टर्म में, ओके। फिर इसके बाद हमने कॉस थीटा पढ़ा, वो हमने पढ़ा बेस अपॉन हाइपोटेनस। फिर इसके बाद हमने टेन थीटा पढ़ा, वो हमने पढ़ा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसके बाद हमने कॉट थीटा पढ़ा, वो हमने पढ़ा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसके बाद हमने सेक थीटा पढ़ा, वो हमने पढ़ा हाइपोटेनस अपॉन बेस। और इसके बाद हमने कोसेक थीटा पढ़ा और वो हमने पढ़ा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ये रेशियो, ये सारी बातें हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चैप्टर में पहले से पढ़ के आ चुके हैं, ओके। अगर ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, बड़े आसानी से लगा सकते हैं, ठीक है। और पाइथागोरस थ्योरम लगाकर ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ पर लिखे हुए हैं, इनके आपस में रिलेशन बना सकते हैं, ठीक है, क्या बना सकते हैं, आपस में रिलेशन। इनके आपस में रिलेशन सिर्फ इन फॉर्मुलों से भी बना सकते हो आप, जैसे एग्जाम्पल के लिए साइन थीटा पी अपॉन एच होता है, बट कोसेक थीटा एच अपॉन पी होता है ना। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हुए, रेसिप्रोकल। इस बात का मतलब ये है कि साइन थीटा को लिखा जा सकता है क्या, वन अपॉन कोसेक थीटा, या वाइस वर्सा, मैं ऐसा लिख सकता हूं कि कोसेक थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, वन अपॉन साइन थीटा, ये दोनों एक ही बातें होंगी, हाँ है ना, ठीक। तो जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वाला चैप्टर करेंगे और उसमें हम कुछ क्वेश्चंस को करेंगे, तो अगर वहां पर कभी भी कोसेक थीटा लिखा हो और अगर मुझे जरूरत लगेगी तो मैं उसको क्या लिख लूंगा, वन अपॉन साइन थीटा, ठीक है। सिमिलरली कॉस थीटा बी अपॉन एच होता है, बट सेक थीटा तो एच अपॉन बी होता है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, रेसिप्रोकल। तो मैं यहाँ पर एक रिलेशन ये भी बना पा रहा हूँ कि कॉस थीटा को कभी जरूरत पड़ी तो उसको मैं लिख लूंगा वन अपॉन सेक थीटा, और सेक थीटा को अगर मुझे कभी जरूरत पड़ी तो मैं उसको लिख दूंगा वन अपॉन कॉस थीटा, ये ठीक है, बिल्कुल आसान है। सिमिलरली टेन थीटा पी अपॉन बी होता है, कॉट थीटा बी अपॉन पी होता है ना। तो ये भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल कैसे, ये समझ आ रहा है, जैसे अगर कहीं पर लिखा है टेन थीटा इक्वल्स टू पी अपॉन बी, ऐसा लिखा हुआ है बच्चों, ठीक है। अब मैं अपनी तरफ से क्या कर रहा हूं, यहां पर ये बी ऐसे ही ठीक है, ये बी मैंने यहां पर लिखा है, इस पी को मैं नीचे लिख सकता हूं क्या, आंसर है हाँ लिख सकता हूं, क्यों, क्योंकि यहां से यहां गया होगा तो वहां, यहां से यहां भी तो ला सकता हूं, ठीक है। अब आगे वन ऐसे ही ठीक है, बी अपॉन पी को आप कुछ कहते हो क्या, कॉट थीटा, तो टेन थीटा किसके इक्वल हुआ बोलो, कॉट थीटा के। तो जैसे मैंने ये बना के दिखाया है ना, ऐसे ही बनाए गए ये सारे, और वैसे भी दिख रहा है ये बी अपॉन पी है, ये पी अपॉन बी है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है। तो टेन थीटा वन अपॉन कॉट थीटा होता है, इसी तरह से कॉट थीटा क्या होता है, वन अपॉन टेन थीटा। तो ये बहुत बेसिक वाले रिलेशन है जो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वाले पार्ट में पहले से देख कर आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, इनकी सबके आपस में रिलेशन ड्राइव करेंगे, ठीक है। और ड्राइव करने के लिए हम बिल्कुल सिंपल वाली एक थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, उसको हम यूज करेंगे। तो देखो कितने आसानी से ड्राइव होंगे। सबसे पहले
मैं यहाँ पर बना रहा हूँ एक राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी विच इज राइट एंगल एट बी। अगर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो ट्राइंगल ए बी सी में हम लगा सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होना चाहिए किसके, परपेंडिकुलर के स्क्वायर के और बेस के स्क्वायर के। ये ठीक है, इसमें तो कोई डाउट वाली बात ही नहीं है, पाइथागोरस थ्योरम लिखिए बोर्ड पे। अब मैं अपनी तरफ से बच्चों यहां पर तीन साइड आपको दिखाई दे रही है, इन तीनों साइड को वन बाय वन मैं क्या करूंगा, सबसे पहले जैसे ए सी को ले लूंगा, ए सी ए सी के स्क्वायर से इसको डिवाइड कराऊंगा, तो आप देखोगे मैं एक रिजल्ट बना लूंगा। फिर अगली बार मैं क्या कर रहा हूंगा, इस रिजल्ट को मैं ए बी के स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूंगा, तो फिर एक रिजल्ट बनेगा। फिर तीसरी बार मैं क्या करूंगा, बी सी के स्क्वायर से इसी रिजल्ट को क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा, तो तीसरा रिजल्ट बनेगा। तो क्लास टेंथ की जो तीन मेजर आइडेंटिटी हैं वो इस तरह से बन जाएंगी। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, इस इक्वेशन को डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड बाय ए सी स्क्वायर बोथ साइड। बिल्कुल आसान है इसको डिराइव करना, देखना कितने आसानी से बन जाएंगी। किससे डिराइव, किससे डिवाइड कर रहे हैं, ए सी स्क्वायर से बोथ साइड। अब देखो स्टेप देखो कैसे चलेंगे, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। बोथ साइड किससे डिवाइड किया गया, ए सी के स्क्वायर से। इसमें कोई डाउट है क्या, कोई डाउट नहीं, बिल्कुल आसान है। ठीक है, बोथ साइड ए सी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, ए सी स्क्वायर से ए सी स्क्वायर कैंसिल, तो ये कैंसिल कर दिया, यहां पर क्या बचा वन। ठीक है, इक्वल्स टू ये जो ए सी स्क्वायर लिखा हुआ है इसको दोनों के नीचे सेपरेटली लिखा जा सकता है। ठीक, तो यहां पर लिखेंगे ए बी का स्क्वायर और अपॉन में क्या ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर अपॉन में क्या ए सी का स्क्वायर, ऐसे। ये ठीक है, इस पर भी स्क्वायर है, इस पर भी स्क्वायर है, तो हम इसको होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या। ठीक, तो यहां पर मैंने लिखा ए बी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर प्लस बी सी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर, ये इस तरह से। ठीक, ए बी हमने माना कि यहां पर एक एंगल बन रहा है थीटा, तो ए बी जो होगा वो हमारा परपेंडिकुलर होगा, बी सी हमारा बेस का काम करेगा और ए सी हमारा हाइपोटेनस का काम करेगा। तो ए बी को मैं क्या लिख सकता हूं बताइए, पी, परपेंडिकुलर है वो। ठीक है, और ए सी को मैं क्या लिख सकता हूं बताइए, हाइपोटेनस। तो ध्यान दीजिए, वन इक्वल्स टू पी अपॉन एच, ए बी की जगह पी लिख दिया और ए सी की जगह एच लिख दिया, प्लस बी सी, बी सी हमारा क्या है बी, और ए सी, ए सी हमारा क्या है एच, इसका क्या होल स्क्वायर। ठीक, अब इधर ध्यान दो क्योंकि आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़कर आ चुके हो, तो कहीं पर पी अपॉन एच लिखा हो उसे क्या लिख सकते हैं साइन थीटा, कहीं पर बी अपॉन एच लिखा हो तो उसे क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा। तो ये दोनों क्वांटिटी हमारे पास आ गई, एक तो आ गया पी अपॉन एच, और P अपॉन H को आपने क्या बताया, इसको क्या लिखा जा सकता है साइन थीटा, प्लस B अपॉन H को क्या लिखा जा सकता है, ये क्या होता है कॉस थीटा, और इक्वल टू में क्या चल रहा है वन। ये स्क्वायर हटा रहा हूं, या साइन थीटा के होल स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, इस तरह से। ठीक है, और इधर कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां से हमारे पास एक रिलेशन बना साइन और कॉस के टर्म में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ऑलवेज किसके इक्वल होता है, वन के इक्वल। ठीक है, ये आपकी क्लास टेंथ में ट्रिग्नोमेट्री की ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में सबसे पहली आइडेंटिटी बन गई जो हम क्वेश्चंस में यूज करेंगे। ठीक है, 2020 और 21 का जो सेशन है उसमें सिर्फ ये वाली आइडेंटिटी पर बेस्ड क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अब हम इसके बाद जो आइडेंटिटी ड्राइव करेंगे उस पर क्वेश्चन बेस्ड इस साल के पेपर में नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी जो बनी है ये हमारी मेन आइडेंटिटी है, और इस मेन आइडेंटिटी से हम दो सब आइडेंटिटी बना लेंगे। हमारी मेन आइडेंटिटी क्या है, तो आंसर है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू वन। ठीक, ये हमारी मेन आइडेंटिटी है। अब इसी से हमने दो रिजल्ट और बना लिए छोटे छोटे,
वन यहीं रखा, कॉस स्क्वायर थीटा इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो इधर क्या बचा होगा, साइन स्क्वायर थीटा, वो ये लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा इधर ही लिखा, कॉस स्क्वायर थीटा उधर गया तो कैसा हो गया, माइनस का। तो ये हमने क्यों बनाया है, ये हमने इसलिए बनाया है कि अगर कहीं पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा होगा तो मैं उसे क्या लिख दूंगा, साइन स्क्वायर थीटा सॉल्व करते वक्त, ठीक है। इसी तरह से मैंने 1 इधर रखा, अब मैं साइन स्क्वायर थीटा को इधर लेकर आ गया ऐसे, ठीक है, तो इधर क्या बचा होगा बोलो, कॉस स्क्वायर थीटा। तो अगर मैं कभी सॉल्व कर रहा हूं और मुझे जरूरत लगी तो मैं कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूं, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये हमारी मेन आइडेंटिटी है, इससे ये दो रिजल्ट और बनाए जा सकते हैं, ठीक है। इतनी बात आ रही है समझ में। तो एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल आप लेकर चले, और ये पाइथागोरस थ्योरम होती है, ये आप पहचानते हो पहले से। इसमें हमने डिवाइड किससे किया, एसी के स्क्वायर से। अगर आप एसी के स्क्वायर से डिवाइड करते हो तो बताओ कौन सी आइडेंटिटी बन के तैयार हो जाती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये आइडेंटिटी बनती है। अब यही पूरी प्रोसेस में फिर से चलाऊंगा, इस बार एसी स्क्वायर की जगह ए बी स्क्वायर से डिवाइड कराऊंगा, ए बी स्क्वायर से डिवाइड कराऊंगा तो दूसरी आइडेंटिटी बनेगी, ठीक है। तो वो आपको ड्राइव करके दिखाता हूं। देखिए चेंज कर लेते हैं, एसी स्क्वायर की जगह बच्चों बताओ क्या लिखना है, ए बी स्क्वायर, ठीक है, लिख लेते हैं। जो सीबीएसई बोर्ड का जो सिलेबस रिड्यूज हुआ है वो उतना ही था जो आइडेंटिटी ड्राइव करनी थी। अगर किसी और स्टेट बोर्ड का अगर कोई बच्चा होगा तो वो इसके आगे का पूरा वीडियो फॉलो कर सकता है, ठीक है। एसी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या चल रहा है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ऐसे, ठीक है, ये चल रहा है। इसको डिवाइड कराएंगे किससे, ए बी स्क्वायर से, यहां भी ए बी स्क्वायर। पिछली बार मैंने क्या किया था कि इस होल के नीचे ए बी स्क्वायर लिखा, फिर मैंने सेपरेट किया था, इस बार मैं डायरेक्टली सेपरेट कर देता हूं, ठीक है, अपॉन ए बी स्क्वायर डिवाइडिंग बाय ए बी स्क्वायर बोथ साइड, हो गया, ठीक। अब बच्चों देखो, सुनो ध्यान से, ए बी स्क्वायर से ए बी स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा, 1 प्लस बी सी अपॉन ए बी का क्या लिख सकते हैं हम इसको, होल स्क्वायर, बी सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर, और इधर ए सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर ऐसे, ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ए सी बताओ देखकर वहां पर क्या लिखा हुआ है, एच, हाइपोटेनस है ए सी हमारा, और ए बी हमारा क्या है, पी, ओके, ये बिल्कुल आसान है। 1 प्लस बी सी क्या लिखा हुआ है, बी, और ए बी क्या लिखा हुआ है, पी ऐसे, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप पढ़कर आए हो तो H अपॉन P आप जानते हो किसको कहते हैं, देख लो यहां पर H अपॉन P किसको कहते हो आप, कोसेक थीटा को, ठीक है, और मुझे किसकी जरूरत है बच्चों, B अपॉन P, और B अपॉन P आपने क्या बताया था मुझे, कॉट थीटा, ठीक, तो कोसेक थीटा और उसको हम कॉट थीटा लिख सकते हैं। तो H अपॉन P को मैं लिख देता हूं कोसेक थीटा, और B अपॉन P को मैं लिख देता हूं कॉट थीटा, ठीक है, होल स्क्वायर चल रहे हैं। अब स्क्वायर को मैं यहां पर लिख देता हूं, तो क्या आइडेंटिटी बनाकर दिखा दी आपने, कोसेक स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के। ये बच्चों आपकी मेन आइडेंटिटी बनके तैयार हो गई, ठीक है। क्या मेन आइडेंटिटी बनके तैयार हुई है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा के, ठीक है। तो ये हो गई आपकी दो आइडेंटिटी, और इसी से आप दो रिजल्ट फिर से बना लो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा के, ठीक है, ये हो गया। अब इससे दो रिजल्ट कैसे बनाओगे बताओ, पहले एक बार कॉट स्क्वायर थीटा उधर ले जाकर लिखोगे, फिर एक बार 1, तो कॉट स्क्वायर थीटा ऐसे ही लिखा, कोसेक स्क्वायर थीटा ये 1 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक। ये आइडेंटिटी हमने क्यों बनाई है, ये हमने इसलिए बनाई है कि अगर कहीं पर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखा हो तो मैं उसे क्या लिख दूंगा, कॉट स्क्वायर थीटा। अब जब मैं क्वेश्चन को करूंगा तो क्योंकि मुझे ये आइडेंटिटी मैंने याद की हुई है पहले से,
तो कहीं पर भी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन लिखा होगा, मैं वहां पर कॉट स्क्वायर थीटा लिख दूंगा। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के क्वेश्चन समझने हैं और ऐसा लगे कि सबसे आसान वाले क्वेश्चन है, तो उसका सिर्फ समझने का एक ही तरीका है जो आपको समझ में आए क्वेश्चन, उसका तरीका यही है कि ये सारी आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए। क्योंकि मैं मुझे याद है मैं तो लिख दूंगा, लेकिन आपको समझ ही नहीं आएगा कि ये अभी तो ये चल रहा था इस स्टेप में, ये कहाँ से आ गया, कॉट स्क्वायर थीटा कहाँ से आ गया। तो ये एक आइडेंटिटी है जो मैंने यूज कर ली, तो वो आपको पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए पहले से। ड्राइव में करके दिखा रहा हूँ आपको कैसे आती है। अच्छा, अब ये वाला जो वन है इसको इधर ही रहने दो, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये ऐसे ये उधर चला गया तो इधर क्या बचा होगा, वन। तो अगर कहीं पर वन लिखा हो और हमें अगर जरूरत पड़ेगी प्रूफ करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को इक्वल दिखाने के लिए, तो उस वन को हम क्या लिख दिया करेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, वो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा कि हमें वन को क्या लिखना है। वन को तो ये भी लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो वो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा, हम क्वेश्चन को देखेंगे और फिर डिसाइड करेंगे क्या लिखा जाना चाहिए वन को। ठीक है, या कहीं पर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा लिखा होगा तो उसको हम क्या लिख दिया करेंगे, वन, सॉल्व करते वक्त। ठीक है, तो ये बच्चों हमारी दो मेन आइडेंटिटी हो गई और ये दोनों उनकी सब आइडेंटिटी, ठीक है, उन्हीं से हमने बना ली। अब इसके बाद क्योंकि आपने ए बी स्क्वायर से जब डिवाइड किया तो ये रिजल्ट बना, ए सी स्क्वायर से डिवाइड कर चुके हो आप, ए बी स्क्वायर से कर चुके हो, अब बी सी स्क्वायर से इसको डिवाइड करा लेता हूँ। ठीक है, तो इतना पार्ट यहाँ से हटा रहा हूँ, डिवाइडेड बाय ए सी स्क्वायर, सॉरी बी सी स्क्वायर लिखना चाहिए ना, क्या लिखना है, बी सी स्क्वायर से डिवाइड कराओ। तो ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ऐसे डिवाइड करा दो, बी सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर, डिवाइड हो गया। अब वन कहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर, इससे ये कैंसिल हो गया, वन बन गया। ठीक है, तो प्लस में यहाँ पर वन लिख लिया, नेक्स्ट स्टेप बताओ क्या करेंगे, होल स्क्वायर लिख लें। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं ए बी अपॉन बी सी का होल स्क्वायर, इसको ए सी अपॉन बी सी का होल स्क्वायर। ए सी को बताइए क्या लिख सकते, क्या लिखा जाना चाहिए, हाइपोटेनस। ठीक है, और बी सी को बेस, ये सब समझाने के लिए लिख रहा हूँ, अदरवाइज इसी के बाद आप डायरेक्टली जो भी आपके एंगल होते हैं वो लिखे जा सकते हैं। ए बी की वैल्यू क्या है, ए बी परपेंडिकुलर को शो कर रहा है और बी सी बेस को शो कर रहा है और प्लस वन। हाइपोटेनस अपॉन बेस उस बोर्ड पर देखकर बताना क्या लिखूँ मैं यहाँ पर, सेक। ठीक है, तो सेक थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू पी अपॉन बी देखकर बताओ, टेन थीटा, तो P अपॉन बी टेन थीटा इसका होल स्क्वायर और प्लस में क्या चल रहा है, वन। तो यहाँ से वन देख लो बच्चे ध्यान से, वन प्लस ये क्या लिखा हुआ है, टेन स्क्वायर थीटा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये सब किसके इक्वल होता है बोलो, सेक स्क्वायर थीटा के। ये बच्चों आपकी थर्ड मेन आइडेंटिटी बन गई, क्या बनी, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, सेक स्क्वायर थीटा के। ठीक है, ये मेन आइडेंटिटी है और ये बहुत बार यूज होगी, तो मैं यहाँ पर थर्ड आइडेंटिटी लिख देता हूँ। मेन आइडेंटिटी क्या है, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा ये इक्वल होता है सेकेंड स्क्वायर थीटा के या सेक स्क्वायर थीटा के। ठीक है, अब फिर से वो सब आईडी बना लो। ठीक है, तो क्या बनाओगे, पहले सेक स्क्वायर थीटा इस वन को उधर ले जाकर लिख दो माइनस वन, और इधर टेन स्क्वायर थीटा बचेगा, तो ये एक आइडेंटिटी बन गई। सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन कहीं लिखा होगा उसे क्या लिखा जा सकता है बताओ, टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और एक और आइडेंटिटी हम बना लेते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये सब किसके इक्वल बचा, वन के इक्वल। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर कहीं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा लिखा हो तो उसे हम वन लिख देंगे। ठीक है, sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कहीं आ गया तो क्या लिखेंगे, वन। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा आ गया तो क्या आ गया, वन।
ठीक। अब ये जो आपके सामने बोर्ड पर आइडेंटिटी लिखी हुई है, इनके अलावा दो आइडेंटिटी और हैं जो आप यूज करोगे, ठीक। वो आइडेंटिटी क्या है वो मैं आपको यहां पर दिखाता हूं। देखो ध्यान से, इस वाले बोर्ड पर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखे हुए हैं। अब इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में एक तो ये वाली आइडेंटिटी तो मेन हो ही गई रेसिप्रोकल वाली, एक आइडेंटिटी और मैं आपको यहां पर करके दिखा रहा हूं और वो फिर मैं उस बोर्ड पर नोट कर दूंगा। देखो ध्यान से, ये जो टेन थीटा लिखा हुआ है, टेन थीटा क्या होता है बच्चों? पी अपॉन बी, यही बताया आपने मुझे। तो मैं यहां पर देखो लिख रहा हूं, टेन थीटा जो होता है वो पी अपॉन बी होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको पी अपॉन बी को क्या अपनी तरफ से हाइपोटेनस से ऊपर और नीचे डिवाइड कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, ठीक है ना, यहां पर भी और यहां भी। बट P अपॉन H कहीं लिखा हो तो उसे क्या लिखा जा सकता है बोलो? साइन थीटा, ठीक है। और B अपॉन H कहीं लिखा हो तो उसे क्या लिख सकते हैं बोलो? कॉस थीटा। और ये सब किसके इक्वल चल रहा था? टेन थीटा के। तो इसका मतलब ये हो गया कि कहीं टेन थीटा लिखा हो तो उसे क्या लिखा जा सकता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। जब भी मैं क्वेश्चन को करूंगा तो मैं कहूंगा कि ये देखो टेन लिखा हुआ है, इसे साइन कॉस में चेंज करो। जब भी मैं ये बोलूं तो आप समझ जाना मैं क्या करने के लिए बोल रहा हूं, टेन थीटा को क्या लिखने के लिए बोल रहा हूं? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये वाली बात आई समझ में? ठीक। तो एक आइडेंटिटी आप ये यूज कर लो, 1 2 3 4 और नहीं, फोर्थ नंबर अब आया, ये टेन थीटा इक्वल होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के। और इसी के साथ एक और आइडेंटिटी आप बना सकते हो, कॉट थीटा की, उल्टा होता है ना, टेन और कॉट तो एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो कॉट थीटा किसके इक्वल होता है? वन अपॉन टेन थीटा के इक्वल होता है ना, तो वन अपॉन टेन थीटा क्या आया है हमारा बोलो? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये किसके इक्वल आ गया बोलो? कॉट थीटा के। ये तो टेन थीटा तो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा क्या होता है? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये जो आपके सामने फाइव आइडेंटिटी लिखी हुई है, 1 2 3 4 5, ये फाइव आइडेंटिटी यूज होंगी। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें एक ही क्वेश्चन में ये फाइव आइडेंटिटी यूज हो जाए, ये भी हो सकता है। एक ही क्वेश्चन में तीन आइडेंटिटी यूज हो, दो हो, एक हो, ऐसा भी हो सकता है। और साथ साथ इन फाइव आइडेंटिटी के अलावा ये वाले जो रिजल्ट हैं कि साइन थीटा को वन अपॉन कोसेक लिख सकते हैं या कोसेक को वन अपॉन साइन लिख सकते हैं, ये वाले रिजल्ट भी वहां पर साथ साथ चलते रहेंगे, तो ये भी एज अ आइडेंटिटी यूज होंगे। ठीक है, ये बात आ रही है आपको समझ में? तो क्वेश्चन आपको तभी समझ आ सकता है जब ये बोर्ड पर जितना कुछ लिखा हुआ है वो सब आपको याद हो। अगर आपको सब याद हो तो हर एक स्टेप आपको समझ आ रहा होगा कि किसको क्या लिखा गया। और अगर आपको याद नहीं है तो फिर आपको एक पहले स्टेप के बाद ही समझ नहीं आया कि इसके बाद ये कहां से आई चीजें। ठीक है ना, बात आ रही समझ में? 1 + sec अपॉन sec a इक्वल्स टू साइन स्क्वायर a अपॉन 1 - cos a। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आपके पास आया तो सबसे पहला स्टेप बताइए क्या करना होगा? साइन और cos में क्वेश्चन को चेंज करना है। साइन और cos में चेंज हो जाने के बाद सेकंड स्टेप क्या होगा? कैलकुलेशन, मतलब कि एलसीएम वगैरह लेना। ठीक है, तो यही हम इसमें करेंगे और बड़े आसानी से हो जाएगा ये। ये लेफ्ट हैंड साइड ले ली, 1 + साइन या कॉस में सेक को क्या लिख सकते हैं? 1 - cos a अपॉन सेक को कॉस की टर्म में चेंज कर लो, 1 - cos a। ठीक है, ये हो चुका, अब साइन या कॉस में क्वेश्चन चेंज हो गया। ठीक है, हो चुका, अब एलसीएम स्टार्ट करो, यहाँ पर अपॉन 1 लिख लो। ठीक है, एलसीएम लोगे तो क्या आएगा बोलो? एलसीएम कॉस आएगा, ऊपर कॉस ए
ठीक है, और कॉस से यहाँ आ जाएगा, तो कॉस ए प्लस वन, और अपॉन में नीचे क्या चल रहा है, वन अपॉन कॉस ए, ठीक है, वन अपॉन कॉस ए, ये ऐसे ही लिखा, ऊपर एलसीएम ले लिया। अब इससे क्या बेनिफिट हुआ, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया हमारे पास, बोलो, कॉस ए प्लस वन, या मैं कहूँ वन प्लस कॉस ए। अब इस क्वेश्चन में इस स्टेप के बाद ध्यान से सुन लो, इस स्टेप के बाद यहाँ पर एक टर्म मल्टीप्लाई और डिवाइड कराना होता है। अब मुझे तो पता है क्योंकि मैंने पहले किया हुआ है ये क्वेश्चन। आप अगर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो इस क्वेश्चन को, तो अगर मैं वो मल्टीप्लाई डिवाइड कराऊंगा तो आप पूछोगे हमें कैसे पता चलेगा कि उससे कराना है, हाँ या ना। तो लेफ्ट हैंड साइड को बस इतना ही छोड़ दोगे, किसको सॉल्व करना स्टार्ट करोगे ये, ठीक है, राइट हैंड साइड को सॉल्व करना शुरू करो। साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं बताइए, वन माइनस कॉस स्क्वायर, ठीक, तो यहां पर लिखा वन माइनस कॉस स्क्वायर ए, और अपॉन में नीचे क्या चल रहा है, वन माइनस कॉस ए, ये ठीक है। अब आगे वन माइनस कॉस स्क्वायर ए को ऐसे लिख सकता हूं क्या, वन का स्क्वायर यहां पर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, और अपॉन में क्या चल रहा है, वन माइनस कॉस ए, ये ठीक है, वन माइनस कॉस ए से वन माइनस कॉस ए कैंसिल, तो क्या बच जाएगा, कॉस ए प्लस वन, ये तो बचा। अब हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कैसी हो गई, इक्वल हो गई, ठीक है। तो केवल इधर ध्यान दो, सेक को सबसे पहले हमने लिखा वन अपॉन कॉस, इस सेक को लिखा हमने वन अपॉन कॉस, फिर हमने यहाँ पर एलसीएम लिया, तो कॉस ए एलसीएम आया, ये कॉस ए प्लस वन हो गया, ठीक है, ये कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, तो अब हमारे पास कॉस ए प्लस वन बचा था। अब इस स्टेप के बाद अगर आपने देखा कि आपकी राइट हैंड साइड नहीं आई है, तो फिर आप इस वाली साइड को सॉल्व करना शुरू कर देते हो, ठीक है। लेकिन क्या इस वाली साइड से ये साइड लाई जा सकती है, तो आंसर है हाँ, ऑलवेज, हमेशा लाई जा सकती है, ठीक है। कैसे, तो उसका आंसर ये है कि ये कॉस ए प्लस वन लिखा है, ठीक है, तो आप ऐसा मान लो कि ये कॉस ए प्लस वन यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद का स्टेप ये लिखा हुआ है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है कि वन माइनस कॉस ए से ऊपर नीचे क्या करा दिया, मल्टीप्लाई, क्या करा दिया, मल्टीप्लाई, तो नीचे 1 माइनस कॉस ए आ जाएगा, ऊपर a प्लस बी, ए माइनस बी क्या होगा बोलो, ए स्क्वायर माइनस, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बनेगा, और उसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर। तो अगर आप ये पूछ रहे हो कि नहीं मैं तो ये चाहता हूं कि सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड से लेकर इसको लाकर दिखाओ, तो अगर आप मेरे से इसके बाद का स्टेप पूछ रहे हो, तो मैं कह रहा हूं इसके बाद ये लिखा हुआ है स्टेप, इसके बाद ये, फिर ये, फिर ये। अब अगर मैं यहां से अगर आपको दिखाऊं, तो मैं क्या करने वाला होता, मैं ये करता कि ये वन प्लस कॉस ए लिखा है, फिर मैं कहता कि मैं अपनी तरफ से मल्टीप्लाई करा रहा हूं, किसको, वन माइनस कॉस ए से ऊपर और वन माइनस कॉस ए से क्या, नीचे, ये ठीक, फिर ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये क्या बन जाएगा, वन माइनस कॉस स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और अपॉन में क्या चल रहा है, वन माइनस कॉस ए, ठीक है। अब वन माइनस कॉस स्क्वायर ए को आप क्या कहते हो बोलो, साइन स्क्वायर ए, और अपॉन में वन माइनस कॉस ए। लेकिन जब मैं इस स्टेप पर ये अपनी तरफ से मल्टीप्लाई कराता, तो फिर आप पूछते कि ये कहां से आया, हमें कैसे पता चलेगा, तो वो उसका आंसर मैं यहां से दे सकता हूं कि आप यहां से इसको करना स्टार्ट कर दो, जब आप इससे करना स्टार्ट करोगे तो आप यहां पहुंच जाओगे, ठीक है। आप ये मत सोचो हमें नहीं पता चलेगा कि कहां से करना है, क्या मल्टीप्लाई करना है, मत कराओ, यहां पर आ जाओ, फिर इसके बाद इसको सॉल्व कर दो, दोनों साइड इक्वल हो गई, प्रूफ हो गया कि ये दोनों साइड इक्वल है। लेकिन अगर आप कभी भी ऐसा करना चाहते हो कि नहीं सिर्फ इसी को लेकर सॉल्व करना चाहते हो, तो रफ में ये राइट हैंड साइड सॉल्व करके देख लो, हमेशा ये वाला स्टेप जो यहां पर लिखा था वो यहां पर पहुंचेगा हर हाल में, उसके उल्टे स्टेप जब आप लिखना शुरू कर दोगे तो आप यहां पहुंच जाओगे लेफ्ट हैंड साइड से,
समझ में आ गई बात, इस तरह से कर सकते हो। और अगर ये सब ना भी करना चाहते हो तो सबसे बेस्ट तरीका ये है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सॉल्व करके इक्वल करके दिखा दो, ठीक है। तो ये हो गया फोर्थ पार्ट। अब इसके बाद ये जो 10 क्वेश्चन है, इन 10 क्वेश्चंस में से सबसे बढ़िया वाला क्वेश्चन, ठीक है, एक इंपोर्टेंट वाला क्वेश्चन मैंने आपको कल दिखाया था, और इन 10 क्वेश्चन में से सबसे बढ़िया वाला क्वेश्चन, इंपोर्टेंट तो मुझे नहीं पता लेकिन बढ़िया वाला क्वेश्चन मैं इसको मानता हूँ, ये है फिफ्थ पार्ट इसका। कॉस ए माइनस साइन ए प्लस वन अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन, इसको प्रूफ करके दिखाना है किसके इक्वल, कोसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है। तो बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन है, देखिए ध्यान दीजिए सिर्फ इधर कि कैसे करना है इसको। यहाँ पर बच्चों देखो कॉस ए माइनस साइन ए प्लस वन लिखा हुआ है, ठीक है। हमेशा पहला स्टेप क्या होता है, क्वेश्चन को किस में कन्वर्ट करना, कॉस और साइन में कन्वर्ट करना, फिर कैलकुलेशन करना, ओके। लेकिन ये जो 10 क्वेश्चन आप करोगे उसमें से एनसीईआरटी में ये वो क्वेश्चन है जिसमें मैं उल्टा कह रहा हूँ कि कॉस और साइन में पहले से नहीं, इसको बिगाड़ दो, किस टर्म में लेकर आ रहा है, इस टर्म में, ठीक है, किसके टर्म में लेकर आ जाओ क्वेश्चन को, कुसेक और कॉट के टर्म में, पहले ही स्टेप में, ठीक है। तो उस स्टेप में कुसेक और कॉट के स्टेप में लाने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको कॉसे को अगर मैं इस वाली इक्वेशन को अगर मैं डिवाइड करा देता हूँ साइन ए से, किससे डिवाइड करा लूँ, साइन से करा लूँ, तो अगर मैं कॉस अपॉन साइन करूँगा तो क्या आएगा, कॉट आएगा, है ना, क्या आएगा, कॉट आएगा, और साइन अपॉन साइन करूँगा यहाँ वन आएगा, और वन अपॉन साइन करूँगा तो क्या आ रहा होगा, कुसेक, बात बन जाएगी, है ना, कुसेक और कॉट में टर्म में चेंज हो जाएगा। तो मैं ये कर रहा हूँ कि इस टर्म को और इस टर्म को, दोनों टर्म को अपनी तरफ से किससे डिवाइड करा रहा हूँ, साइन ए से। हमें कैसे पता चलेगा कि साइन ए से डिवाइड कराना है, क्योंकि हम किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, कोसेक में, तो वन के नीचे जब अपॉन में साइन ए लिखा हो तभी कोसेक आ सकता है, बिल्कुल सिंपल है, आया ना, तभी आ सकता है, तो इसीलिए साइन से किया जाएगा। अगर हम कॉस से करा दे तो बच्चों अगर वन अपॉन कॉस करोगे तो सेक आ रहा होगा, अगर इस क्वेश्चन में यहां पर सेक और टेन लिखा होता, सेक ए प्लस टेन ए, तो किससे डिवाइड कराते, कॉस से, जिससे कि सेक बन जाता, आ रही बात समझ में, तो यहां पर साइन से क्यों कैसे बताओ, जिससे कि वन अपॉन साइन अगर करेंगे तो वो क्या बन चुका होगा, कोसेक, और कॉस अपॉन साइन क्या बन चुका होगा, कॉट, क्लियर है ये वाली बात, ठीक। तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रहे हैं और अपनी तरफ से साइन से डिवाइड करा रहे हैं, इस क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझ लेना चाहिए, उसके बाद आपको कुछ लिखना है, ठीक है ना, पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लो, फिर उसके बाद में नोट वगैरह सब बाद में करना, पहले सिर्फ इस पर फोकस करो, साइन से डिवाइड हो गया, ओके। अब इस वाले साइन को सेपरेट कर रहा हूँ, क्वेश्चन को नहीं तो एक स्टेप में भी आप साइन को सबके नीचे डिवाइड करके लिख सकते हो, ठीक है, साइन ए अपॉन साइन ए प्लस वन अपॉन साइन ए, नीचे यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए एंड माइनस वन अपॉन साइन ए, ठीक है। अब बताइए कॉस अपॉन साइन क्या, कॉट ए, ठीक है, वन अपॉन साइन क्या, कोसेक, तो प्लस कोसेक ए, मैंने ये लिख दिया वहां पर, ये लिख चुका हूं मैं, और इससे ये कट गया तो क्या बचा, वन, कैसा, माइनस का वन, वो ये लिखा हुआ है, ठीक है। मैंने क्या किया, पहले ये लिख लिया, फिर इसके बाद ये लिख लिया, और यो यहाँ पर वन बचा था ना, उस वन को मैंने पीछे लिख दिया,
मैं कुसैक और कॉटे को एक साथ चाहता था, एक साथ लिखना चाहता था, इसलिए मैंने वन को पीछे भेज दिया। ये ठीक है। अच्छा, नीचे अपॉन में कॉटे एंड प्लस ये साइने से साइने कैंसिल, वन और वन अपॉन साइने कुसैक, ये स्टेप आ गया। जितना बोर्ड पर अभी लिखा है वो सब समझ आ रहा है, हर एक स्टेप पता है कैसे आया क्यों आया, ठीक, कैसे आया और फिर साथ में क्यों आया ये भी पता होना चाहिए, क्यों होना चाहिए वो, ठीक है। अब बच्चों, कॉटे प्लस कोसेके माइनस, वहां पर एक वन लिखा हुआ है, उस वन की जगह मुझे कोसेक और कॉट के टर्म में एक आइडेंटिटी लिखनी है। बताइए वन को कोसेक और कॉट के टर्म में क्या लिख सकते हैं? आपने मेन आइडेंटिटी पढ़ी थी एक, याद करो, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा या वन अपॉन वन प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है? कोसेक स्क्वायर ए, तो ये कॉट स्क्वायर ए उधर जाएगा, तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए ये क्या होता है बोलो? वन होता है ये, ठीक है, ये आपने पढ़ा है। तो इस बात का मतलब ये है कि अगर कहीं पर वन लिखा हुआ है तो उसको क्या लिखा जा सकता है? कुसैक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए ये लिखा जा सकता है। तो मैं ये वाला जो वन है इस वन की जगह चेंज कर रहा हूं, ठीक है। अब ये वाला माइनस कहाँ लिखा है? ये लिखा हुआ है। इस वन की जगह क्या लिख रहे हो ब्रैकेट में? ये कुसैक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ये, और ये भी पूरा एक टर्म है, कॉट ए प्लस कुसैक ए अपॉन कॉट ए प्लस वन माइनस कुसेक है, ठीक है ये, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जब मैं करने जा रहा हूं उसको पहले बता देता हूं क्या करने वाला हूं। ये बच्चों लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको लिखा जा सकता है ए प्लस बी ए माइनस बी, मैं ये करने वाला हूं सिर्फ नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। तो कॉट ए प्लस कोसेक ए ये ऐसे ही, ठीक है, माइनस यहां पर ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ये ठीक है। और इस सब के नीचे क्या लिखा हुआ है? कॉट ए प्लस वन माइनस कोसेक ए, ठीक है, ये लिखा हुआ है। यहां तक बात आ रही है समझ में? ठीक। अच्छा, आप देखो ध्यान दो, ये एक टर्म है और ये कितने टर्म है? एक है, दो कहां है? ये दोनों टर्म तो कहां मल्टीप्लाई में है ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये तो एक ही टर्म है ना, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, कितने टर्म या खिले हुए लिखे हुए हैं यहां पर? दो टर्म। इन दोनों टर्म में से एक चीज ऐसी है जो कॉमन आ रही है, क्या कॉमन आ रहा है? कॉट ए प्लस कुसे के यहां पर भी है और कॉट ए प्लस कुसे के यहां पर भी है, ये इन दोनों में से क्या आ रहा है? कॉमन, ठीक है, तो इसको मैं कॉमन लेता हूं, तो यहां पर लिखें कॉट ए प्लस कुसे के, ये कॉमन लिया, ठीक है, ये कॉमन आ रहा है। अच्छा, ये जब ब्रैकेट यहां से कॉमन जाएगा तो यहां पर क्या बचा? वन, वन माइनस, ठीक, ये पूरा ब्रैकेट जा चुका है यहां से, तो क्या बचा? ये बचा ना, इस माइनस की वजह से ये कैसा हो जाएगा? माइनस का, और ये कैसा हो जाएगा? प्लस का। तो अगर मैं ओपन करके लिख रहा हूं तो फिर मैं इसको ऐसे लिखूंगा, माइनस का कुसेक ए और प्लस का कॉट ए, और इस होल के नीचे क्या चल रहा है बच्चों बताओ? ये कॉट ए प्लस वन माइनस का क्या? कोसेक ए, ये चल रहा है, ठीक है, ओके। अब देखो ध्यान दो, वन यहां पर कैसा लिखा हुआ है? प्लस का, ये लिखा हुआ है प्लस का, नीचे भी कोसेक ए माइनस का, नीचे भी माइनस का, कॉट ए प्लस का, नीचे भी प्लस का, तो ये ऊपर वाला ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम ही तो है, सेम है, तो इससे ये कैंसिल,
क्या बच जाएगा, कॉटे प्लस कुसेके, ये है यहाँ पर हमारा बच जाएगा, कॉटे प्लस कुसेके, ये हमारी आ गई राइट हैंड साइड, ठीक है, ये राइट हैंड साइड आ गई हमारी। लेफ्ट हैंड साइड से हमें ये साइड लेकर आनी है, ठीक है। अब हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, वैसे हम ये करते थे कि साइन कॉस में लाते थे, बट इस क्वेश्चन में हमने कुसेके और कॉटे की टर्म में क्वेश्चन को चेंज करना था, ठीक है। तो हमने चेंज करने के लिए हमने सोचा कि अगर वन के नीचे अपॉन यहाँ साइन ए कहीं से आ जाए तो ये क्या किसके टर्म में चेंज हो जाएगा, कुसेक के टर्म में, एंड ऑल्सो कॉस ए के नीचे साइन ए होगा तो ये कॉटे बन जाएगा, क्लियर है ये बात। इसीलिए हमने किससे डिवाइड किया, साइन ए से, ये वाली बात आई समझ में, साइन ए के अलावा आप किसी और टर्म से डिवाइड नहीं करोगे, ना कॉस से करोगे ना टेन से करोगे, ठीक है, क्योंकि फिर दूसरे टर्म बनेंगे, ये टर्म नहीं बन रहा होगा, तो इसलिए हमने साइन से डिवाइड किया। साइन से डिवाइड करने के बाद इसको सेपरेट किया, ये स्टेप भी समझ आता है। फिर इसके बाद यहाँ पर कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, वन बचा, ये टर्म हमें कॉटे दे देगा, ये टर्म हमें कोसेक देगा, और यहाँ पर माइनस का वन, ओके। और नीचे हमारे पास कॉटे प्लस वन माइनस कोसेक, जो चल रहा है नीचे चलने दो, उससे कोई कुछ नहीं करना, ठीक है। इस वाले वन को मैंने लिखा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ये आइडेंटिटी होती है। इसको फिर लिखा गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। फिर ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दोनों में कॉमन था, तो इस ब्रैकेट को कॉमन ले लिया। जब ये ब्रैकेट कॉमन जाएगा तो इस ब्रैकेट की जगह पर क्या बचा होगा, वन, फिर ये वाला माइनस आता और फिर ये ब्रैकेट चला गया तो ये बचता। तो इस माइनस की वजह से मैंने क्या किया, इस कुसेके को माइनस में लिखा, और इस माइनस और इस माइनस को मिलाकर कॉटे को मैंने कैसा लिखा, प्लस का, ठीक है। फिर इस ब्रैकेट से ये ब्रैकेट नीचे वाला कैंसिल हो गया, क्योंकि ऊपर टर्म और नीचे टर्म एक जैसे बन गए, प्लस का वन माइनस का कुसेके और प्लस का कॉटे प्लस का कॉटे, तो ये कैंसिल हुआ, ये हमारा आंसर बन गया, ठीक है। वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी वाले हैं जिसमें रूट के अंदर को आपको क्वेश्चन लिखा रहता है, वन माइनस साइन, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के क्वेश्चन के आप टाइप बना सकते हो, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो ऐसे स्टार्ट करो, उस टाइप का आएगा तो वैसे स्टार्ट करो, वो सब चीज़ें रहती है ना, तो उनमें से जब रूट में नंबर इस तरह से लिखा रहेगा तो आप अपने एंड से उसको रैशनलाइज कराओगे, ठीक है। रैशनलाइजेशन का मतलब है कि आप यहाँ पर जो नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, इसी नंबर, इस नंबर के अपोजिट साइन को आप लोगे, जिसे आप कॉन्जुगेट कहते हो, उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराओगे, ठीक है, तो आपका आंसर बन जाता है। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें मुझे ये जो प्रूफ करके देना है वो sec a प्लस tan a के इक्वल प्रूफ करके देना है, sec a प्लस tan a, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलो, जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं एक बात याद रखना, इस साइड से भी हो सकते हैं, इस साइड से भी हो सकते हैं, जैसे कि इस क्वेश्चन को मैं इस साइड से कर रहा हूं, ठीक है, मैं इस रिजल्ट पर पहुंच जाऊंगा। फिर इस रिजल्ट पर पहुंचने के बाद अगर आप फिर आपका क्वेश्चन ये आएगा कि सर हम इधर से करते तब कैसे होता, तो मैं कहता उल्टा चलाओ क्वेश्चन को, तो यहाँ पहुंच जाओगे, हमेशा यही आंसर होगा मेरा, ठीक है। तो रूट वन प्लस साइन ए, वन माइनस साइन ए, कराइए, वन प्लस साइन ए से ऊपर, वन माइनस साइन ए से नीचे, ठीक है। ऊपर क्या बनेगा, वन प्लस साइन ए इंटू वन प्लस साइन ए, क्या लिख सकते हैं हम इसको, वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन, अच्छा यहां पर प्लस आएगा, ठीक है ना, यहां ए माइनस बी, ए प्लस बी, क्या बोलेगा बोलो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, वन माइनस साइन स्क्वायर, ये बनेगा। ये स्टेप सबको समझ आ गया, इसका होल स्क्वायर बन गया और यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। अब ध्यान दीजिए, अंडर रूट वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, अब वन माइनस साइन स्क्वायर ए को आप क्या कहते हो, कॉस स्क्वायर ए, क्या कहते हैं, कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। ये आइडेंटिटी है, सबसे पहली आइडेंटिटी,
साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है? वन के स्क्वायर, कॉस स्क्वायर ए इधर ही लिखा रहने दो, साइन स्क्वायर ए इधर लेकर आ जाओ। तो कहीं पर अगर वन माइनस साइन स्क्वायर ए लिखा हो तो उसे क्या लिखा जा सकता है? कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप पर आ जाइए। यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, इन दोनों के इस होल स्क्वायर से ये रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल होल स्क्वायर से। तो क्या बचेगा? वन प्लस साइन ए और नीचे क्या कॉस ए, कॉस ए बचेगा। ध्यान रखना इसको और इसका हम क्या लिख सकते हैं? होल स्क्वायर, उस स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो क्या बचेगा? वन प्लस साइन ए एंड कॉस ए। अब इस कॉस ए को सेपरेट करा दो तो वन अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है, वन अपॉन कॉस ए क्या होता है? सेके, साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है? टेन ए। ये हमारी आ गई राइट हैंड साइड। ठीक, अब देखो इस क्वेश्चन को राइट हैंड साइड से करना शुरू करते हैं हम लोग। ओके, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सेके प्लस टेन ए, सेक को साइन और कॉस के टर्म में चेंज करेंगे, पहला स्टेप हमारा यही होता है। तो सेक को क्या लिख सकते हैं? वन अपॉन कॉस ए, टेन को साइन अपॉन कॉस ए। फिर इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा? कॉस ए, और ऊपर क्या चल रहा होगा? वन प्लस साइन ए। ये वाली बात आ गई समझ में। अब जब आप क्वेश्चन को इधर से लेकर जा रहे होगे तब लेकिन वहां पर एक काम आपको अपनी तरफ से करना पड़ेगा। क्या? इन दोनों का होल स्क्वायर और उसके ऊपर क्या लगाना पड़ेगा? रूट अपनी तरफ से। ये वाली बात आ रही समझ में। इन दोनों का होल स्क्वायर और ऊपर से क्या लगाना होगा? रूट। ऐसा किया जा सकता है किसी भी स्टेप पर। यहां पर इसको ऐसा लिखो और फिर इसका क्या लगा दो? रूट। फिर भी स्टेप में कोई चेंज नहीं आया तो ऐसा किया जा सकता है। फिर वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और इस स्क्वायर को इस पर भी लगा देते कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए को हम क्या लिखते फिर? वन माइनस साइन स्क्वायर ए। फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी, ठीक है ना। तो फिर वन प्लस साइन ए से ये जो होल स्क्वायर चल रहा था ना उसका एक वन प्लस साइन ए कट गया होता तो ये बच जाता हमारे पास आंसर में। ऐसे चलता ये, लेकिन ऐसे जाने में सिर्फ एक स्टेप ऐसा आता जो आपको पहले से पता होना चाहिए कि इसका होल स्क्वायर करके रूट लगाना है। अब हमें कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पर रूट लिखा हुआ है तो हमें ये तो आइडिया आएगा कि हमारे क्वेश्चन में क्योंकि रूट कहीं पर दिया हुआ नहीं है तो हमें अपनी तरफ से रूट तो लगाना है, और रूट आप तभी लगा सकते हो जब वहाँ पर एक स्क्वायर लगाया जाए, और कोई तरीका नहीं है। तो ये वाला स्टेप यहाँ पर अंडरस्टूड हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हो। तो ये आपके सिक्स पार्ट हो गए कंप्लीट। आ गया हमारे पास सेवेंथ पार्ट। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। साइन थीटा माइनस टू साइन क्यूब थीटा अपॉन टू कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा, ये लेकर आना है। देखिए ध्यान दीजिए कैसे करना है इस क्वेश्चन को। यहां से और यहां से दोनों जगह से हमें क्या कॉमन आता हुआ दिखाई दे रहा है? साइन थीटा। और हम कॉमन क्यों ले रहे हैं? हम कॉमन इसलिए ले रहे हैं कि हमने जो तीन आइडेंटिटी पढ़ी है वो स्क्वायर के बारे में है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कुसेक स्क्वायर थीटा। तो हमने क्यूब वाली कोई आइडेंटिटी नहीं पढ़ी, तो पहले तो इस क्वेश्चन से क्यूब खत्म करना है, स्क्वायर के टर्म में लेकर आना है, फिर हमारी कुछ आइडेंटिटी बन जाएंगी। तो यहां से साइन थीटा कॉमन लीजिए, क्या बच जाएगा? वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। और नीचे से यहां से कॉस थीटा कॉमन लीजिए तो यहां पर बन जाएगा टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। ठीक है, अब देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ये लिखा हुआ है, इसको आप क्या कहते हो? टेन थीटा। ओके, अब वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा का आपने फॉर्मूला पढ़ा है, क्या फॉर्मूला है बताइए? वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा।
और अपॉन में क्या चल रहा है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब बच्चों इस जगह पर जहां पर मैंने साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा, अगर आप चाहो तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, वो दोनों एक ही बातें होंगी, आप दोनों में से कहीं पर भी एक जगह चेंज कर लो, ठीक है। अब इससे क्या बेनिफिट होगा, जब मैंने साइन को कॉस में चेंज कर दिया तो ये ऊपर वाला टर्म अभी सॉल्व होकर इससे कट जाएगा, अगर आप कॉस को साइन में चेंज कर देते तब भी नीचे वाले टर्म से फिर ऊपर वाला कैंसिल हो जाता, तो दोनों में से कोई एक चेंज कर लो, तो टेन थीटा ऐसे ही ठीक है, यहाँ पर 1 ऐसे ही ठीक है, इस माइनस 2 का मल्टीप्लाई इस 1 में कराओगे तो माइनस 2 आएगा, और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, और 2 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो क्या बनेगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और नीचे क्या चल रहा है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये वाला स्टेप एक बार फिर से, माइनस 2 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो माइनस 2 आएगा, माइनस 2 का मल्टीप्लाई माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से, यानी कि माइनस माइनस तो प्लस बन जाएगा, 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब टेन थीटा ऐसे ही ठीक है, यहां पर 2 कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, ये वाला 2 कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, और माइनस का 2 और प्लस का 1 कितना, माइनस का 1, और नीचे क्या चल रहा है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, बन गया ना एक जैसा, फिर इससे ये कैंसिल हो गया, तो आंसर आ जाएगा टेन थीटा, ठीक है। देख लो ध्यान से, सबसे पहले साइन थीटा कॉमन लेना है, क्यों कॉमन लेना है हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि हम क्वेश्चन को साइन स्क्वायर की हम आइडेंटिटी जानते हैं ना कि क्यूब की, तो अगर यहाँ से साइन कॉमन चला जाएगा तो यहाँ पर स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। सिमिलरली नीचे कॉस कॉमन ले लिया, अब क्योंकि यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा आ गया है तो इसको हम जानते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर इसका 2 का अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे ये बनेगा, इसको हम थोड़ा सा सीधा करके लिख दें कि जैसे 2 कॉस स्क्वायर थीटा और ये चीज़ क्या है माइनस 1, उससे ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा टेन थीटा, बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन है ये। ये हो गया आपका 7th नंबर। इसके बाद इससे भी ज़्यादा आसान वाला क्वेश्चन एक आ गया 8th पार्ट। ये सब आसान मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे आइडेंटिटी याद है, जिसको आइडेंटिटी नहीं याद है उसको समझ ही नहीं आ रहा हो कि क्या चल रहा है यहां पर, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस और कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, ये सब इक्वल प्रूफ करके दिखाना है, 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी वाला पार्ट समझने के लिए बेस्ट तरीका ये है कि आइडेंटिटी याद कर ली जाए तब जाकर फिर टीचर के पास जाओ, ठीक है ना, जब भी जाओ तो पहले आइडेंटिटी याद करके जाओ, नहीं तो मैं अपनी तरफ से सबसे बेस्ट बताऊंगा लेकिन आपको कुछ समझ नहीं आने वाला है जब तक आइडेंटिटी ना बताऊं। तो देखो ध्यान दो, जैसे ये क्वेश्चन आया हमारे पास, ठीक है, इस क्वेश्चन में आप क्या करोगे, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर लो, ठीक है, यहाँ पर भी a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर लो, ओके, और फिर क्वेश्चन को आगे बढ़ाओ, आपका आंसर आ जाएगा, एक ये तरीका हो गया। दूसरा ये कि आपने तो ये कहा था कि क्वेश्चन को साइन कॉस में चेंज कर लो, तो वैसे भी किया जा सकता है क्वेश्चन को, इसको 1 अपॉन साइन कर लो, ठीक है, और इसको 1 अपॉन कॉस कर लो, फिर क्वेश्चन को आगे लेकर जाओ और फिर सॉल्व करो, लेकिन मैंने क्योंकि दोनों तरफ से पहले से ही करके देखा हुआ है, आसान तरीका ये होता है कि यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दो, आसान से मेरा मतलब है छोटा तरीका, ठीक है, छोटा, उसमें भी वो जब अगर आप कोई क्वेश्चन के 10 स्टेप में कर रहे हो तो वो हार्ड वाला नहीं होगा, उसमें आइडेंटिटी और स्टेप्स ज़्यादा होंगे, बस केवल जो मैं अब यहाँ पर बता रहा हूँ उसमें स्टेप्स बहुत कम होंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन हो गया। अब यहाँ पर ओपन करिए, प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस 2ab, ठीक है, ये बिल्कुल आसान है। अच्छा, अब इधर ध्यान दीजिए कैसे करना होगा। ये जो स्टेप है, इस स्टेप पर बहुत सारी आइडेंटिटी लगेंगी, वो सारी आइडेंटिटी आपको याद होंगी तो आपको ये स्टेप समझ आ जाएगा, ठीक। जैसे कहीं पर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए लिखा हो तो उसे हम 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों, इसको और इसके सम को मैंने 1 लिख दिया, एक काम हो चुका। अब ध्यान दो, कहीं पर कुसेक स्क्वायर ए लिखा हो, कुसेक स्क्वायर ए, तो उसको लिखा जा सकता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। हमें कैसे पता चलेगा कि कुसेक स्क्वायर ए को ये लिखना है? तो आंसर है कि क्वेश्चन में हमें क्या चाहिए, कॉट, ना कि कुसेक। कुसेक नहीं चाहिए हमें, कॉट चाहिए, इसलिए हमें कुसेक स्क्वायर ए को क्या लिखना होगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसकी बात हो चुकी, ठीक। अच्छा, फिर से, अगर कहीं पर सेक स्क्वायर ए लिखा हो तो उसे हम क्या लिख सकते हैं, और या हमें किसके टर्म में लिखना चाहिए, बताओ। तो आंसर सर कॉट तो आ चुका क्वेश्चन में, अब क्या बच गया है, टेन बच गया है। तो सेक को टेन के टर्म में क्या लिख सकते हैं, तो सेक स्क्वायर ए होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। जितनी मैंने यहां पर लाइनें खींची इन सब की बातें हो चुकी। जैसे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1, कोसेक स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट आगे आ जाओ, देखो 2 यहां पर क्या लिखा हुआ है, साइन ए। कोसेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन ए, ठीक। यहां पर अब ये तो स्टेप हो गया हमारा, ये भी हो चुका। अब इस पर आ जाओ, 2 ऐसे ही ठीक है, कॉस ए ऐसे ही ठीक है, सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस ए, ये ठीक, क्लियर है ये वाली बात। तो कितनी आइडेंटिटी यूज हुई, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1, 1, कोसेक स्क्वायर ए को ये कहते हैं 2, सेक स्क्वायर ए को ये कहते हैं 3, कोसेक को 1 अपॉन साइन कहते हैं 4, सेक को 1 अपॉन कॉस कहते हैं 5। इस स्टेप में 5 आइडेंटिटी यूज हुई, इनमें से अगर एक आइडेंटिटी भी याद नहीं होगी, कोई भी एक 5 में से एक, तो फिर आगे स्टेप नहीं बढ़ा पाओगे, 5 याद होनी चाहिए, ठीक। अब क्वेश्चन हो चुका, देखिए ध्यान दीजिए, साइन ए से साइन ए कैंसिल, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, बताओ यहां पर क्या बचा है, कितना बचा है, 2, क्या बचा हुआ है, 2 × 1 कितना, 2, ठीक है। यहां पर बताओ कितना बचा हुआ है, 2, 2 × 1 2 है ना, तो 2 प्लस 2 कितना, 4 प्लस 1 5 प्लस 1 प्लस 1 7, ठीक। अब और क्या लिखना बाकी है, अभी टेन स्क्वायर है बाकी है, और क्या लिखना बाकी है, कॉट स्क्वायर है, ये इस तरह से, ये वाला स्टेप फिर से, 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6 प्लस 1 7, ये सब लिख चुके। अब ये बच गया और ये बच गया, ये लिखा हुआ है, इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। तो ये आप जब इस क्वेश्चन को इन 3 स्टेप में कर सकते हो, ठीक है ना, ये 3 स्टेप लिखोगे और आंसर आ जाएगा, कब, जब आप a प्लस बी के होल स्क्वायर ओपन कर रहे होगे, ठीक है। क्या इससे भी छोटा हो सकता है, तो हो सकता है ऐसा कोई मेथड हो जाओ इससे भी छोटा होता हो, ये तो हम कोई भी एक रैंडम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन को, और हमें हो सकता है छोटा वाले मेथड से कर रहे हो, हम सोच रहे हो कि हम छोटे से कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है वो बड़ा हो, है ना। वो तो आप प्रैक्टिस जितनी करोगे एक ही क्वेश्चन को, क्योंकि करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, तो जितनी प्रैक्टिस करोगे तब आपको पता चलेगा कि कौन सा छोटा मेथड है और कौन सा बड़ा मेथड है, ठीक है ना। ये हो गया 8th नंबर। इसके बाद एक आसान वाला क्वेश्चन दिखाता हूं आपको, 9th नंबर। कोसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए, ये सब प्रूफ करके दिखाओ ये इक्वल होता है 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए के।
देखो कितना आसान क्वेश्चन आ गया। लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रहे हैं। जब हमारे सामने क्वेश्चन आया तो इस क्वेश्चन को हम साइन और कॉस में चेंज कर रहे हैं, सबसे पहला स्टेप। ओके, तो कुसेक को 1/sin a माइनस साइन ए, सेक को 1/cos a और इधर लिखा है कॉस ए। हमें कैसे पता चलेगा कि कभी तो आप फर्स्ट स्टेप में साइन ए कॉस ए में चेंज करते हो और कभी नहीं करते हो, हमें कैसे पता चलेगा? तो ये जो हमें लेकर आना है वो किसके टर्म में लेकर आना है क्वेश्चन? टेन ए और कॉट ए के टर्म में। ठीक है बच्चों, क्या यहाँ पर जितनी भी टर्म लिखे हुए हैं उनमें से आप किसी का भी रिलेशन डायरेक्टली टेन या कॉट के टर्म में जानते हो? जैसे साइन का, साइन को आप टेन के टर्म में कुछ पढ़कर आए हो? तो आंसर है नो, कॉस के टर्म में पढ़कर आए हैं, और उसमें भी साइन स्क्वायर ए होता है। साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं? 1 - cos²। तो साइन को आप डायरेक्टली टेन के टर्म में नहीं पढ़कर आए हो, जो मेन आइडेंटिटी है उनकी बात कर रहा हूँ मैं। अदरवाइज हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को आप डायरेक्टली दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के टर्म में लिख सकते हो, वो बनाया जा सकता है। कोसेक को नहीं पढ़कर आए हो आप, टेन अगर कॉट के टर्म में पढ़कर आए हो, लेकिन वो कोसेक स्क्वायर ए को पढ़कर आए हो। 1 + cot² क्या होता है? कोसेक स्क्वायर ए। अब यहाँ स्क्वायर तो है नहीं, तो कॉट के टर्म में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो हमने ये देखा कि यहाँ पर जो नंबर लिखे हुए हैं, यहाँ पर जो रेशियो गिवन है, उनमें से कोई भी डायरेक्ट फॉर्मूला उनका नहीं पता है। लेकिन एक बात ध्यान से सुनो, क्या आप कोसेक को साइन या कॉस के टर्म में चेंज कर सकते हो? तो आंसर है हाँ। सेक को कर सकते हो? तो आंसर है हाँ। टेन को कर सकते हो? हाँ। कॉट को कर सकते हो? हाँ। इसका मतलब ये है कि आप ये करने वाले हो, इस क्वेश्चन को इधर से सॉल्व करोगे साइन कॉस के टर्म में, इधर से सॉल्व करोगे साइन कॉस के टर्म में, और आंसर आ जाएगा। ऐसे पता चलेगा। ठीक है, तो यहां पर साइन ए एलसीएम ले रहा हूं, क्योंकि साइन कॉस में क्वेश्चन जब चेंज हो जाता है तो नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि कैलकुलेशन स्टार्ट कर दो। ऊपर आ जाएगा 1 - sin²। ये यहां पर एलसीएम आएगा कॉस ए, और यहां पर 1 - cos²। ये टर्म बन जाएगा। ओके, अब आप 1 - sin²a को पहले से पढ़कर आए हो, क्या पढ़कर आए हो बताओ? cos²a, और नीचे लिखा हुआ है sin a into 1 - cos²a आप पढ़कर आए हो पहले से, sin²a और अपॉन में क्या चल रहा है? cos a। इस स्टेप में ये दो आइडेंटिटी यहाँ पर यूज कर ली गई। अब क्योंकि ये मल्टीप्लाई का साइन है बीच में, तो sin a से एक sin a, cos a से एक cos a, कैंसिल आउट। तो क्या बच जाएगा? कॉस ए साइन ये बच जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां पर फिर से वही क्वेश्चन बनता है कि हमारी जो राइट हैंड साइड है वो अभी तक नहीं आई है, तो वो कैसे लाई जाए? तो वो लाने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। एक तो ये कि आप उधर वाली साइड को सॉल्व करो और इसके इक्वल लेकर आ जाओ, एक। या दूसरा ये कि अगर आप इधर से ही जाना चाहते हो तो इस स्टेप में हर हाल में कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड अपनी तरफ से कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वो आपको पता नहीं चलेगा। अब जैसे हमने पहले से क्वेश्चन किया हुआ है तो हमें तो रटा हुआ है, इस वाले क्वेश्चन में तो ये लगा दो, या हमने इतनी प्रैक्टिस कर ली है कि हमें आइडिया लग जाता है कि ये करना है इसमें। अगर आप पहली बार कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस कर ली तो आपको भी आइडिया हो जाएगा कि ये कैसे क्या करना चाहिए जिससे कि वो आ जाए। तो ये सब दिमाग एग्जाम में ना लगाना पड़े, कोई टाइम खराब ना हो, तो बेस्ट तरीका ये कि आप उधर वाली साइड को सॉल्व कर लो और इसके इक्वल लाओ और बात खत्म। ठीक, या अगर कभी आप चाहते हो कि नहीं मैं इधर से ही जाना चाहता हूँ, तो तब भी मैं कहूँगा उधर से सॉल्व कर लो और फिर उसके उल्टे स्टेप यहाँ पर ला कर लिख दो। जैसे मैं इस वाली साइड को सॉल्व करके दिखाता हूँ और फिर आपको पता चलेगा कि क्या। अच्छा, इस क्वेश्चन में आप आंसर देना कि मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए था, मैं उस वाली साइड को सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, 1 - tan a को बताओ क्या लिख सकते हैं? sin a / cos a। cot a को बताओ क्या लिख सकते हैं? cos a / sin a। ठीक है, एलसीएम बताओ कितना आएगा?
नीचे एलसीएम आएगा साइन ए एंड कॉस ए, ठीक है, और कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, साइन ए का मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो बोलो क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए, ठीक है, साइन ए से साइन ए कैंसिल, कॉस ए का मल्टीप्लाई यहाँ पर होगा तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। ये कहाँ आएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई में, तो यहाँ आ गया साइन ए कॉस ए, और नीचे अपॉन में क्या चल रहा है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, उसको हम क्या कहते हैं, वन, तो हमारा आंसर आ गया साइन ए कॉस ए। अब हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गई। अब आप ये देखकर बताइए कि अगर हम क्वेश्चन को सिर्फ इधर से ही करना चाहते तो हमें क्या करना होता, तो आंसर है कि इसके नीचे सर आपको लिखना होता अपॉन में क्या, वन, ठीक है, और उस वन को सर आपको क्या लिखना होता, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ठीक है, और ये जो टर्म चल रहा है वो उसके नीचे ले जाकर लिखना होता, फिर दोनों को क्या करना होता, सेपरेट, सेपरेट करते तो ये आता और इसको क्या लिख देते, टेन ए, और इसको क्या लिख देते, कॉट ए। अब इस स्टेप पर आकर हमें क्या सपना आएगा कि इसके नीचे वन लिखो, फिर वन को ये लिखो, वो लिखो, वो लिखो, वो करना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा आपके लिए। तो सबसे आसान तरीका मैं कहूँगा यही है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड, जब भी फंस जाते हो कहीं पर तो इन दोनों साइड को सॉल्व करो। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए इसका होल स्क्वायर। ये सब इक्वल प्रूफ करके दिखाओ टेन स्क्वायर ए के, ठीक है। 1 प्लस टेन स्क्वायर है तो हमने कहीं ना कहीं पढ़ा है, इसको क्या कहते हो आप बोलो, आइडेंटिटी नहीं याद है तो फिर नहीं कर पाओगे। सेक स्क्वायर है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर को आप क्या कहते हो, कोसेक स्क्वायर है, ठीक है, ऐसा आ गया। अब सेक को हम डायरेक्ट टेन के टर्म में तो कुछ जानते नहीं है, तो हम इसे साइन कॉस में चेंज कर लें, ठीक है, तो सेक को हम क्या लिख सकते हैं बताओ, 1 अपॉन कॉस ए, 1 अपॉन कॉस, तो अब क्योंकि स्क्वायर चल रहा है इसलिए क्या लिखा जाएगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है। कोसेक को साइन या कॉस के टर्म में क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन है, कोसेक को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन है, अब स्क्वायर चल रहा है तो क्या लिखोगे, 1 अपॉन साइन स्क्वायर है, ठीक है। अब ये साइन स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, ठीक है, तो ऊपर आ गया साइन स्क्वायर है और नीचे क्या, कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर ऊपर आ गया और वन और कॉस स्क्वायर ये मल्टीप्लाई हो गए यहाँ पर आ गए, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर को हम क्या कहते हैं बताओ, टेन स्क्वायर है, साइन अपॉन कॉस है टेन ही होता है, स्क्वायर चल रहा है तो स्क्वायर आ जाएगा टेन स्क्वायर है, तो ये उसके इक्वल प्रूफ हो गया। इसको मैं उसके इक्वल लेकर आया हूँ, अब अगर मैं इसको भी उसके इक्वल लेकर आ जाऊँ तो इस बात का मतलब ये दोनों भी आपस में इक्वल हैं, ये तरीका रहेगा, तो ठीक है ये उसके इक्वल हो चुका। अब इसको इसके इक्वल लाकर दिखाओ, कैसे लाओगे, एक काम करते हैं, हम क्या काम कर रहे हैं, देखो करने के दो तरीके हैं, पहले स्टेप को कि यहाँ पर कुछ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा लो अपनी तरफ से, ठीक है, तब भी इस क्वेश्चन को किया जा सकता है, या थोड़ा सा आसान आपको दिखने लगे चीज़ें तो ये तरीका है कि इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो और फिर ये क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा, ठीक है, तो 1 माइनस क्या लिखूँ इसको, साइन ए अपॉन कॉस ए, ये वाला जो स्टेप है ये एक नेसेसरी स्टेप नहीं है, केवल आपको चीज़ें आसान लगने लगें सिर्फ इसलिए कराया जा रहा है, ठीक है, 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, तो यहाँ पर एलसीएम लोगे तो क्या आएगा बोलो, कॉस ए माइनस साइन ए, और नीचे यहाँ पर क्या बनेगा बोलो, वहाँ साइन ए माइनस कॉस ए, यही बनेगा, इसका क्या होल स्क्वायर चल रहा है, ठीक है,
कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए। अच्छा नीचे यहाँ पर वो भी चल रहा होगा ना, कॉस ए भी तो चल रहा होगा, वो तो लिखा ही नहीं हमने यहाँ पर। इसके नीचे अपॉन में क्या चल रहा होगा, कॉस ए, और यहाँ पर साइन ए माइनस कॉस ए, और इसके नीचे अपॉन में क्या चल रहा होगा, साइन ए, ऐसे ठीक है। अब ये वाला जो साइन ए है ये यहाँ पर आएगा ठीक है, और ये वाला जो कॉस ए है वो इसके साथ मल्टीप्लाई में आएगा। तो देखो क्या होने वाला है, साइन ए के साथ मल्टीप्लाई होगा कौन, ये, और कॉस ए के साथ मल्टीप्लाई होगा ये। कौन मल्टीप्लाई होगा बोलो कॉस ए के साथ, साइन ए माइनस कॉस ए, लेकिन ऊपर क्या लिखा हुआ है, तो क्यों ना मैं इसमें से इसी स्टेप में माइनस का साइन कॉमन ले लूं, ठीक। तो साइन ए माइनस कॉस ए की जगह मैं माइनस का साइन कॉमन लेकर उसे क्या लिख देता हूं, कॉस ए माइनस साइन ए, और इस सब का क्या चल रहा बोलो, होल स्क्वायर, ठीक। इससे ये कैंसिल, साइन ए अपॉन कॉस ए बच गया, साइन ए अपॉन कॉस ए को आप क्या क्या कहते हो बोलो, टेन ए, और इसका क्या चल रहा है, होल स्क्वायर, और माइनस टेन ए का होल स्क्वायर कराओगे तो क्या आएगा, प्लस का टेन ए का होल स्क्वायर, यानी टेन स्क्वायर है, ये उसके इक्वल आ जाएगा, ठीक। एक बार फिर से, टेन ए को हमने लिखा साइन अपॉन कॉस, कॉट को लिखा हमने कॉस अपॉन साइन, एलसीएम लिया तो कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए आएगा, नीचे एलसीएम लोगे तो साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए आएगा, फिर ये साइन ए यहाँ जाएगा और ये कॉस ए के साथ ये टर्म लिखा जाएगा। इस टर्म को लिखते वक्त हमने इसमें से माइनस का साइन कॉमन ले लिया, जिससे इसको उल्टा लिखा जा सके, कॉस ए माइनस साइन ए, ये कैंसिल हो गया, साइन अपॉन कॉस को हम टेन कहते हैं, वो माइनस कहाँ गया, ऊपर क्या चल रहा है, स्क्वायर, स्क्वायर की वजह से वो माइनस क्या बन गया, प्लस टेन स्क्वायर है, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये भी टेन स्क्वायर एक इक्वल, ये भी टेन स्क्वायर के इक्वल, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल रहे होंगे, इस तरह से ये इसका टेंथ पार्ट होगा। तो ये आपके एनसीईआरटी की बुक में आइडेंटिटीज के ऊपर जो क्वेश्चन थे, इनमें से जहाँ जहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक फॉर्मूला यूज हुआ हो, जैसे मान लो ये एट्थ वाला जो पार्ट हम लोगों ने किया था, इसमें सिर्फ एक आइडेंटिटी यूज हुई थी, साइन स्क्वायर थीटा को क्या कहते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, वही वाली आइडेंटिटी है ना ये, तो इसका मतलब ये जो ये सेवेंथ वाला जो पार्ट था ये इस साल के एग्जाम में आ सकता है 2021 में। कल हमने जो तीन क्वेश्चन किए थे वो भी तीनों थे, तीनों के तीनों क्वेश्चन आ सकते थे। इस वाले क्वेश्चन में भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यूज होता है, बट उनके अलावा भी बहुत सारी आइडेंटिटी यूज होती है, ये क्वेश्चन नहीं आएगा ठीक है, एट्थ वाला पार्ट नहीं आएगा। और इससे पहले वाले पार्ट में वन मैन, हाँ जो रूट वाला एक क्वेश्चन करवाया था मैंने, सिक्स्थ वाला पार्ट, वो डेफिनेटली इस एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि उसमें सिर्फ वही आइडेंटिटी यूज हुई थी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा वाली, सिक्स्थ वाला हो गया। और फिफ्थ वाला पार्ट ऑफ कोर्स नहीं आएगा, उसमें कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर यूज किया है हमने, फिफ्थ वाला भी नहीं आएगा। ये वाले में कौन सी आइडेंटिटी यूज हुई है, इसमें तो कोई आइडेंटिटी यूज की है, ये बेसिक वाली हुई है ठीक है, इसको भी आप काउंट कर सकते हो, बेसिक वाली आइडेंटिटी कि टेन ए को हम वन, अच्छा इसमें तो वन प्लस टेन स्क्वायर को हमने ये लिखा ना ठीक है, तो ये आइडेंटिटी तो आ ही नहीं रही है इस बार, वन प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर, तो ये भी नहीं आएगा। तो जो हमारे पास क्वेश्चन बनते हैं लास्ट में, एक बार उनको बताओ कौन कौन से हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में देखो, फोर्थ पार्ट का सॉल्यूशन दिखाना मुझे, क्या यूज हुआ था, वन माइनस कॉस स्क्वायर, हाँ फोर्थ पार्ट ठीक है। इसके बाद फिफ्थ पार्ट पर कट लगा दो, सिक्स्थ पार्ट आएगा, और सेवन्थ पार्ट हो गया जिसमें सिर्फ ये आइडेंटिटी यूज हुई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एट्थ पर कट लगा दो, और नाइन्थ वाला हम लोगों ने किया था अभी, नाइन्थ का सॉल्यूशन दिखाना, वन माइनस साइन स्क्वायर वन माइनस कॉस स्क्वायर, हाँ ठीक है, ये वाला भी आएगा, कौन सा वाला, नाइन्थ वाला, टेंथ वाला कट हो गया, तो इसका मतलब फिफ्थ वाला नहीं आएगा और टेंथ वाला नहीं आएगा और एट्थ वाला नहीं आएगा, फिफ्थ एट्थ और टेंथ ये तीन पार्ट हो गए।
जो इन 10 में से नहीं आएंगे, बाकी सारे आ सकते हैं।